बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रेल बजट की खबर से। रेल बजट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे आज फाइनल टच दे दिया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि इस बार का रेल बजट देश और रेल के हित में होगा। रेल मंत्री ने बजट को अंतिम रूप देने के बाद ये भरोसा दिलाया। कल दोपहर 12 बजे से लोकसभा में रेल मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। इस रेल बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इंडिया 24/7 आपको बता रहा है कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन पर इस रेल बजट में फोकस होगा। इस बजट में पहला फोकस कस्टमर सर्विस को कैसे बेहतर किया जाए इस पर होगा। माल भाड़े से ज्यादा कैसे कमाया जाए, किराए में बिना बढ़ोतरी से कैसे कमाया जाए, पारदर्शिता कैसे बढ़ाई जाए और पांचवां रेलवे में रिफॉर्म का रास्ता कैसे निकाला जाए। रेलवे की सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में रेलवे का सिक्योरिटी सिस्टम सुधारने के लिए इस बार के बजट में क्या खास है, इस पर देश की नजर होगी। वहीं रेलवे की सुरक्षा को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ से इंडिया 24/7 रिपोर्टर अवनीश विद्यार्थी की रिपोर्ट। इंडिया 24/7 आज अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है कि किस तरह लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन में पिछले 14 और 23 फरवरी को डेड बॉडीज मिली और उसके बाद किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है। ये वो इलाका है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहती है। हम लोहिया पथ पर हैं इस वक्त और ये 1090 का ऑफिस, जहां वुमेन पावर लाइन 1090 इसका हेडक्वार्टर है और यहां से बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जाता है। सीसीटीवी कैमरों से ये पूरा चौराहा जो है वो लैश है। आप देख सकते हैं पास में एक पुलिस चौकी भी है जहां पर हमेशा जवानों के रहने की बात कही जाती है और ये पूरी सड़क जो है वो इससे अगर आप देखें तो 500 मीटर के दायरे में ही आगे जाकर के मुख्यमंत्री आवास, गृहमंत्री राजनाथ सिंह का आवास और डीजीपी मुख्यालय, ये तीनों है और इनके बीच जिस तरीके से सनसनीखेज वारदातें होती हैं, एक लड़की की लाश जो है वो 14 तारीख को मिलती है एक छात्रा की, उसके बाद फिर जिस तरीके से 23 तारीख को एक युवक का शव मिलता है, ये सारी बातें बता। रेल बजट से ठीक पहले सरकार के लिए एक परेशानी भरी खबर है। दरअसल पीपीपी मॉडल के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों के संगठन ने तेवर कड़े कर लिए हैं। इन संगठनों ने रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लागू करने का विरोध किया है। देखिए इंडिया 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रेलवे में पीपीपी मॉडल के जरिए परियोजनाओं को पूरा करने और फंक्शनिंग कराने के सरकार के सपने को रेलवे कर्मचारियों के संगठन ने करारा झटका दिया है। रेलवे कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक अगर पीपीपी मॉडल लागू करने की बात होती है तो इससे रेलवे का भला नहीं होगा। कर्मचारियों ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करने का ऐलान किया है। जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में उनकी जिम्मेदारी जो है वो भारत सरकार की है कि वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसको आगे चलाने का काम करें और पीपीपी मॉडल पे जो भी आदमी यहाँ पैसा लगाएगा वो आदमी जो है वो कोई धर्म खाते में पैसा नहीं लगाएगा, वो अपने लाभ के लिए पैसा लगाएगा। जब भी वो लाभ के लिए पैसा लगाएगा वो उपभोक्ता के लिए जो है वो महंगा होगा। मेंस फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि रेलवे को दिए जाने वाले ग्रांट को बढ़ाया जाए और इस रकम को 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपया किया जाए। साथ ही रेलवे की सुविधाओं पर खर्च होने वाली राशि जो कि करीब 26,000 करोड़ रुपए की है उसका पूरा जिम्मा केंद्र सरकार उठाए। मैंने कहा है उनको कि ये जो इतना पैसा हम ले रहे हैं जी, ये भी हमारे लिए एक तरीके से खतरे की घंटी ही है जी। क्योंकि मान लीजिए हम पैसा ले लें उधार और उस पैसे को के लिए हम जो प्रोजेक्ट लगाएंगे उससे हमको उतनी आमदनी नहीं हो तो कल को ये ठीकरा तो रेलवे के ऊपर ही फूटने वाला है। तो जी, जी, हमने इस बात को कहा है, वो उनके अपने आर्गुमेंट्स हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय रेल को किसी खतरे में डालने का मतलब है देश की जनता को खतरे में डालना, देश को खतरे में डालना। दरअसल पीपीपी मॉडल की योजना का मतलब होता है ऐसी योजना जो सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित होती हो। ऐसी योजनाओं में अक्सर फंक्शनिंग, ऑपरेशनल और फंडिंग के काम में साझेदारी होती है। ऐसी योजनाएं अक्सर वक्त पर पूरी होती हैं और अच्छी क्वालिटी की होती हैं। रेलवे में फिलहाल 14,000 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाएं पीपीपी मॉडल पर चल रही हैं। इनमें कई लाइन बिछाने, दोहरीकरण, बंदरगाह संपर्क बढ़ाने और विद्युतीकरण की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा करीब 5,500 करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित हैं।
रेलवे ने अगले 5 साल के लिए 8,56,000 करोड़ की निवेश योजना का प्रस्ताव पिछले बजट में दिया था, जो बिना निजी भागीदारी के संभव नहीं है। रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नेटवर्क का विस्तार, ऊपर से बुलेट ट्रेन का सपना भी देश देख रहा है। ऐसे में जर्जर माली हालात से जूझ रही रेलवे के पास पीपीपी मॉडल एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए फंड जुटाया जा सकता है, मगर रेलवे कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए अब ये राह भी मुश्किल नजर आने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। उधर आज बजट सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में जेएनयू मामले पर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस की ओर से बहस में मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिस्सा लिया। सिंधिया ने कहा कि 8,000 छात्रों के नाम को बदनाम किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य ने कहा कि गृहमंत्री ने हाफिज सईद के ट्वीट के बाद दावा किया कि छात्रों को हाफिज सईद का समर्थन है, लेकिन जब ट्वीट के झूठा होने की बात सामने आई तो सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं बची। सिंधिया के हमले का जवाब बीजेपी की ओर से युवा सांसद अनुराग ठाकुर ने दिया। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस तय करे कि वो संसद पर हमला करने वालों के साथ है या संसद को बचाने वालों के साथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वाले कह रहे हैं कि देश के टुकड़े करेंगे। राहुल गांधी बताएं कि वो किस टुकड़े पर राज करना चाहेंगे। उधर एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 9 फरवरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वालों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। मुलायम ने कहा कि जेएनयू मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा इस घटना के बारे में, एंड आई कोट, देश की सच्चाई समझने की जरूरत है। जेएनयू की घटना को हाफिज सईद का समर्थन हासिल है। Where is the proof? और जब मालूम पड़ा कि उनकी कोई ट्वीट नहीं है तो फिर चेहरा नहीं रहा दिखाने के लिए पूरे देश में। कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकालेंगे? क्या ये सदन के सदस्य तैयार हैं कोई और पार्लियामेंट्री अटैक, पार्लियामेंट सदन पर अटैक्स देखने के लिए, देश में और आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए? ये मैडम, अगर इसी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है, तो दुर्भाग्य है ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है मैडम। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैडम, ये भारत के टुकड़े होने का इंतजार कर सकते हैं। हम अपने टुकड़े करवा देंगे लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का छात्रों का सवाल है, इन छात्रों के बाद इस विश्वविद्यालय को निशानी बना गया है। जेएनयू में जो घटना घटी है, जो नारे लगे हैं, उस बारे में कुछ छापा है और दिखाया कुछ और है, उनको लेकर गंभीर मतभेद हैं, लेकिन उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जब यहाँ जहाँ जरूरी है कि टेस्ट विरोधी नारा है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लगाने वाले देश विरोधी नारे लगाने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। संसद में बजट सत्र में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी हम पर एंटी नेशनलिज्म का धब्बा लगाने की कोशिश कर रही है। उधर विपक्ष को जवाब देते हुए मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जेएनयू के सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट को संसद में पढ़कर सुनाया। पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को एक धब्बा लगाने की कोशिश मत कीजिए। वो टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर कोई हमको मिटाने की कोशिश करा, कभी नहीं मिटेंगे। हमको मालूम है इस देश के लिए आप जितना, आपके पास जो देशभक्ति है उससे ज्यादा बढ़ के हमारे पास है। हमारे लोग तो कुर्बानी दी और हमको सिखा रहे। अफजल गुरु को कौन फांसी आप दिए और आप उनके साथ पीडीपी के साथ अब दोस्ती करके गवर्नमेंट बना। They have given a written response. They are a part of the security of the university, not the police. And they say, भीड़ बढ़ने लगी, छात्र उमर अनिर्बान वहीं खड़े रहे,
अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, हम क्या मांगे आजादी, बंदूक से लेंगे आजादी। गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। दो तीन और लोग थे मुंह पर कपड़ा लगाए, ये सुरक्षा विभाग का जो सरकार से कोई सरोकार नहीं रखती उनका ये ब्योरा है। लोकसभा में रोहित वेमुला खुदकुशी मामले में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से विपक्ष के हमलों को जोरदार तरीके से जवाब दिया। स्मृति ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। स्मृति ने कहा कि मुझे सूली पर चढ़ाने की साजिश की जा रही है। अपना कर्तव्य जिसका मैंने पालन किया उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। नारायण स्वामी जी का पत्र है 5 मई 2011 का, मेरे नेता नहीं थे सरकार में, अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे थे। नारायण स्वामी जी ने जो पत्र लिखा इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख है। जाइए जाइए मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर ये निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, उस काउंसिल के एक भी मेंबर को एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था। हमने अपॉइंट नहीं किया। मैं चुनौती देती हूं कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं मेरी जात क्या है बताकर देखिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे। इंडिया 24/7 की एक खबर पर मुहर लगी है। मामला यूपी में एमएलसी चुनाव का है जिसमें बीजेपी को खासी किरकिरी का सामना करना पड़ा। हमने दिखाया था कि बीजेपी के भीतर पैराशूट से उतरे नेताओं को आनन फानन में टिकट बांट दिए गए। नतीजा आखिरी वक्त में कई नेताओं ने पलटी मार दी जिससे 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। अब बीजेपी के आलाकमान ने प्रदेश के भीतर पार्टी में मची उठापटक और शिकायतों का संज्ञान लिया है और यूपी में बीजेपी का टिकट बेचने के आरोपों की जांच का ऐलान किया है। मगर सवाल ये कि क्या वाकई बीजेपी नेतृत्व मानता है कि पार्टी में टिकट बेचे गए। यूपी में बीजेपी की सियासी सेहत कैसी है इसकी तस्वीर दिखी है एमएलसी चुनाव में, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशियों ने ही बीजेपी की किरकिरी करा दी। कोई मैदान छोड़कर भाग गया तो किसी ने इन मौके पर पार्टी ही बदल दी। सवाल उठे कि क्या बीजेपी के पास काबिल नेता ही नहीं थे जो बाहर से आए ऐसे लोगों को टिकट बांट दिए जो मौका मिलते ही भाग खड़े हुए। सवाल उठे कि क्या पैसे के जोर ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया। इंडिया 24/7 ने यह सवाल 19 फरवरी को ही उठाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब बीजेपी हाईकमान ने जांच के लिए टीम बना दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एमएलसी के 4 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय की है जो बीजेपी का टिकट बेचने के मामले की जांच करेंगे। ये नेता 6 मार्च तक प्रत्याशियों की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे। बीजेपी ने आगरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सूर्य प्रताप शाही, बांदा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रमापति राम त्रिपाठी, मेरठ निर्वाचन क्षेत्र के लिए शिव प्रताप शुक्ल और लखनऊ उन्नाव निर्वाचन क्षेत्र के लिए सतीश महाना को जिम्मेदारी सौंपी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी का नेतृत्व ये मान चुका है कि पार्टी के भीतर टिकट बेचे गए। अगर ऐसा है तो बीजेपी के उस दावे पर सवाल नहीं उठते जिसमें पार्टी विद डिफरेंस का दावा किया जाता है। वैसे बीजेपी में बाहरी नेताओं के प्रति प्रेम कोई नई बात नहीं है। याद करिए बिहार चुनाव के वक्त भी पार्टी के ही कुछ नेताओं ने टिकट बेचने के आरोप लगाए थे। रही बात एमएलसी चुनाव की तो जितनी फजीहत बीजेपी की इन चुनाव में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के गृह जिले मेरठ में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से आए वीरेंद्र यादव को टिकट दिया, मगर यादव जी पलटी मार गए और घर वापसी कर ली। तो लखनऊ उन्नाव सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अनित पटेल ने भी पलटी मारते हुए पर्चा वापस ले लिया। बांदा में बीजेपी प्रत्याशी आनंद त्रिपाठी ने भी यही किया तो आगरा फिरोजाबाद सीट के प्रत्याशी टीपी सिंह पर्चा तक नहीं भर पाए। हद तो यह कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पार्टी को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला। दरअसल इन मौके पर पलटी मारने वाले ये सभी नेता पैराशूट लीडर्स ही थे जिन्हें पार्टी में शामिल कर टिकट दिया गया था।
कुछ तो ऐसे भी रहे जिन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता देने से पहले ही टिकट से नवाज दिया गया। जाहिर है पार्टी के भीतर जो कुछ हुआ उसने शीर्ष नेतृत्व को परेशान किया है, मगर सवाल ये कि क्या इसके बाद भी बीजेपी में बाहरी नेताओं से मोहब्बत खत्म होगी। लखनऊ से अमिता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब बात करते हैं योगगुरु रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट की, जो दो राज्यों में विवादों में घिर गया है। हिमाचल प्रदेश में योगगुरु रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट को झटका लगा है। राज्य सरकार ने पतंजलि ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज रद्द कर दी है। हिमाचल के राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जानकारी दी। रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट को ये जमीन धूमल सरकार के दौरान दी गई थी। इधर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से योगगुरु रामदेव को करीब 600 एकड़ जमीन देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विदर्भ में पतंजलि योगपीठ की 4 यूनिट्स खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रामदेव को जमीन देने का ऐलान किया था। ये यूनिट मिहान, अमरावती, कचोल और गढ़चिरौली में खोले जाने का प्लान है। महाराष्ट्र सरकार ने पतंजलि को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मिहान में 327 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। इस जमीन का 108 एकड़ का हिस्सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। कचोल में पतंजलि को 200 एकड़ जमीन दी जाएगी। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्ष का कहना है कि रामदेव को फायदा पहुंचाने के लिए फडणवीस सरकार ने यह फैसला किया है। रामदेव ने जो जमीन हिमाचल सरकार से, बीजेपी सरकार से ली थी, हमने उस जमीन को, उस पर मकान, बड़ी भव्य भवन बना दिया था, 5-स्टार होटल की तरह से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरह से कैबिनेट में हम ले गए और कैबिनेट से हमने कहा कि इस जमीन को हम टेक ओवर करते हैं, उनकी लीज को हमने रद्द कर दिया है। और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो आपके करियर से जुड़ी हुई है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। दरअसल लखनऊ पुलिस ने दो ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन नौकरी साइट खोलकर लोगों को चूना लगा रहे थे। पुलिस ने विजय कुमार और रमाकांत को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक बलिया के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों ने जन कल्याण योजना.com नाम से एक वेबसाइट बनाई और यूपी सरकार का हवाला देते हुए 72,530 पदों पर फर्जी भर्ती निकाल दी। भर्ती के लिए 150 रुपए फीस रखी। नौकरी की तलाश में कई युवाओं ने इस फर्जी साइट पर अप्लाई किया और ठगी के शिकार हुए। इस बीच एक युवक ने लखनऊ साइबर सेल से फर्जी वेबसाइट की शिकायत की। जांच के बाद पुलिस ने इस गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी संख्या में दस्तावेज भी बरामद किए। यूपी सरकार ने आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। इससे पहले आज भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस राजीव कुमार की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। यूपी के पूर्व प्रमुख सचिव नियुक्ति आईएएस राजीव कुमार और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ नीरा यादव ने सीबीआई कोर्ट के 3 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। फैसले के बाद राजीव कुमार और नीरा यादव को जेल जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की तत्कालीन सीईओ नीरा यादव और आईएएस राजीव कुमार को नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने साल 2012 में 3 साल की सजा सुनाई थी। दोनों ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। दिसंबर 2015 में हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखा और जस्टिस हर्ष कुमार की खंडपीठ ने दोनों की याचिका खारिज कर दी। श्रीमती नीरा यादव और राजीव कुमार, ये दोनों नोएडा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन थे और इन लोग के खिलाफ इल्ज़ाम ये था कि इन लोगों ने अपने पावर मिसयूज़ किया और अलॉटमेंट और लैंड और कन्वर्जन को लेके इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, दोनों की अपील डिसमिस कर दिया है और जो कन्विक्शन और सेंटेंस जो सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने किया था इन दोनों खिलाफ, उसको कन्फर्म कर दिया। यूपी के लखनऊ में डीआईजी के एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारने के मामले में इंडिया 24/7 की खबर का असर हुआ है। यूपी के डीजीपी ने ट्वीट कर मामले की जानकारी दी, जिसे संज्ञान में लेते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारने वाले डीआईजी डीके चौधरी से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान डीआईजी दलजीत ने एक बुजुर्ग को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। ये क्या है?
दरअसल ये मामला मंगलवार शाम का है जब डीआईजी अपने महकमे के साथ इंदिरानगर के भूतनाथ मार्केट के पास अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान पटरी पर दुकान लगाने वाले एक बुजुर्ग पर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उसे न सिर्फ थप्पड़ जड़ दिया बल्कि उसे दुनिया भर की खरीखोटी भी सुना दी। डीआईजी डीके चौधरी ने बुजुर्ग की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। और सूचना आ रही है कि इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। नेपाल में हुए विमान हादसे में सवार सभी 23 लोगों की मौत हो गई जिसमें 2 बच्चे और 2 विदेशी शामिल हैं। बाकी 18 नेपाली नागरिक थे। हादसा नेपाल के सुदूर पहाड़ी इलाके में कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ। तारा एयरलाइंस का यह विमान पोखरा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही लापता हो गया जो जोमसोम जा रहा था। हिमालय में ट्रैकिंग की शुरुआत जोमसोम से ही की जाती है। इस विमान का जला हुआ मलबा पश्चिम जिले के माया के सोली गोप्टे के जंगल में पाया गया। हादसा इतना भयानक था कि शव आसपास के इलाके में बिखरे हुए हैं। राहत बचाव काम में लगी टीम के मुताबिक क्रैश होने के बाद एयरक्राफ्ट में आग लग गई। हालांकि नेपाल के नागरिक उड्डयन अधिकारी क्रैश के कारणों की जाँच कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना